वेलकम टू गौरव गुप्ता ब्लॉग द ओरिजिनल ब्लॉगर। मरते मरते भी ब्लॉग बना के रहता है ये। श्रेया नहीं है तो व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा लगता है मैं आती तो बड़े मिलियन व्यूज आते। अब बस ये लग रहा है कि भाई जल्दी हो गया, खत्म करो निकलो, और भी 3-4 दिन हमारे बचे हैं यहाँ पे। आज हम जा रहे हैं एमसीजी टूर पे। जो जाते आने से पहले तो बहुत जो जोश में बुक कर रहा था, पर आज सब बेमन से एमसीजी टूर करेंगे, स्टैंड देखेंगे। जो भी ब्लॉगर बोलता है ना कि लाइफ इज गुड, नो वी विल एंजॉय, वी आर सो एक्साइटेड टू वॉच एमसीजी। दोस्तों गुप्ता ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है। पहले तो खुश होना होता ना जबरदस्त। हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू गौरव गुप्ता ब्लॉग। वेलकम टू गौरव गुप्ता ब्लॉग द ओरिजिनल ब्लॉगर। आपको पता ही है कपूर वगैरह सब ओजी, मतलब असली पुरानी प्राचीन दुकान हमारी है। और कपूर वगैरह सब ओजी, मतलब असली पुरानी भाई फाइनली ऑन अ टूर ऑफ एमसीजी। अभी आपको बता दो कैसे। 1,00,000 सीटर है भाई, भर पाएंगे क्या? अभी 1,00,000 ज्यादा होगा, 25,000 भर देंगे दोस्तों, 10,000 10,000 भर देंगे। भाई मैं बताऊँ, ये भाई इतने अच्छे हैं वो ना, हमारा एक्चुअली हम थोड़ा लेट पहुंचे हैं और हमारा टूर ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया था, पर ये भाई सपोर्ट कर करके हमें कह रहे हैं जुगाड़ करा के करता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलियन पर अंदर से इंडियन ही है, एक्स्ट्रा सेवा, जस्ट हैप्पीली हेल्पिंग अस। कह रहे हैं कि दादा पांडव नगर रहते थे। भाई क्या ग्रैंड सा लग रहा है। It's a pretty slow outfield. The grass will change, right? The center of the pitch, the grass will change. Okay. I'm not sure about this because this is the AFL turf. ऐसे उंगली दिखाना। What is there any series going to happen next? AFL. AFL for the next 6 That's a footy. And then cricket. So footy then cricket. Cricket comes second and then soccer. भाई हमारा टूर होने नहीं वाला था, पर हो गया लकीली वो लियम भाई की वजह से। और रिदम भाई ने भी बहुत जुगाड़ लगा के बात करी, और पब को भी कह ही सकते कि पब ने भी कोशिश पूरी। लग रहा जैसे 4-5 लफंडर लड़के ना घर से निकले पड़े ट्रिप करने। ये घर है कितने का होगा? ये 4-5 मिलियन 25 करोड़। हाँ। कुछ नहीं है, आप थोड़ी को ले सकते। भाई इनको इनका मैं डाला, सब लोग कोई कह रहे तरुण गिल कहाँ से आ गया तुम्हारे वीडियो में। तरुण गिल बताओ वो। गाइस फाइनली चेकिंग आउट ऑफ आवर 70th फ्लोर अपार्टमेंट। आपको बता दूं ये आदमी कुत्ते के सर सॉरी मैं लैंग्वेज बस पागल जैसे नहाते है। रात को नहाया पहले तो 1 घंटे, सुबह सुबह उठ के 1 घंटा नहाया, फिर मैं और सानी गए भाई टंकी में पानी खत्म की समस्या यहाँ पर भी। हम 270 फ्लोर पे खड़े हैं, 4-5 दिन से हम इधर रह रहे हैं, कोई व्यू नहीं होता। टॉप ऑफ द वर्ल्ड फेल्ट लाइक ए किंग, सब मेरे नीचे यूं दिखाते नहीं मूवीज में, कोट पहनने का बंद नहीं दिख रहा है। मैं एक दिन इस बम्बई में राज करूंगा। हाँ मैं बम्बई में राज करूंगा, सब है ना, बहुत छोटी बिल्डिंग याद आने लगी थी दीवार मूवी में, सब मेरे ऐसे दिखाते हैं भाई। इतना झंड व्यू है ना ये, माँ कसम इसको व्यू नहीं है। तो ये चील का विजन है, जो चील ऊपर से देखती है उसको कैसा लगता है, अगर आपको ये देखना तो ये ले लो। तो मैं अगर किसी की पतंग कटे ना तो मैं यूं लूट। जो प्लॉट बना के घर नहीं बेचते गुड़गांव में, बहुत ज्यादा छोटी छोटी गाड़ियां दिखाते हैं, वैसा दिख रहा है भाई सब। दूसरी बिल्डिंग की टंकियां देख रहे हो यार, गौरव कपूर तुम देख रहे हो, ये आदमी इसका सरफेस एरिया इतना सा है पूरी बॉडी का, ठीक है। आदमी ऐसे नहाता जैसे पता नहीं ये इसको सांपों की बॉडी मिली हो। 1 घंटा पहले रात को नहाया भाई, पता नहीं जैसे कहां नाले में गिर गया था। सबसे पहले ये इंसान नाले में घुसा, सुनो हम जैसे दैत्य टाइप के, मैं मेरे को कितना सरफेस एरिया भाई साहब, मैं नहाने बैठा हूँ शावर में, मैं वेट करो नंगे बदन की हवा का गर्म पानी, पहले तो पानी इतना तरह गर्म भाई तो खत्म ही कर दिया इसने। वो नहीं होता था एक रिश्तेदार एक चाची आती थी जब घर में कोई मर जाता था, और जब वो नहा के आती सारा कीचड़ का पानी सब चाची है भाई। यहाँ तो शेर बनता है 12 बजे 2 घंटे के लिए शेर बनता है। जुनून कौन सी जुनून, जुनून पिक्चर थी ना जुनून, लेट हो रहे हैं फ्लाइट के लिए। निप्पी को भी जाएगा भाई, क्या अच्छे पाव से क्या है। गाइस गुप्ता ने मेरा नाम दे दिया व्लॉगी, सुबह शाम एक ही चीज में, पहले शूट फिर उसका एडिट फिर उसको। आज एडिलेड आ गए हैं शो करने के लिए, मैं तो आज तो नहीं कल शो है। लेफ्ट साइड पे है एडिलेड ओवल जहाँ मैचेस होते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के, बहुत सारे लेके आए रसोई करके कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे, कह रहे हैं यहाँ पे बेस्ट फाइन डाइन है, पक्का है ना, या तुम्हारा कुछ कोलैब है? नहीं नहीं, रसोई रेस्टोरेंट है, बहुत किल सीन है यहाँ पे, जबरदस्त खाना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट फूड्स दैट वी हैव हैड। हेलो सर, पहली बार मिली ऑस्ट्रेलिया में। हाँ ये धवन भाई ही है, कौन लग रहा है वो बताना। ये बोल रहा है रेडी मूवी में चौधरी का बेटा नहीं था सलमान आया भाई, पहले वेल्डिंग किया करते थे इनको शॉट बनाने में। भाई ये क्या है? ये तू भी आएगा? ये भाई लाइट खत्म होती है यहाँ से पीना है। अरे स्ट्रॉ से पीना है, ये पीना है। हाँ जी हाँ, ये तो ठीक है भाई, जस्ट दे अब मेरे मुंह में ही। नहीं नहीं चलो, हम दो ही हैं पीने वाले के। ओए भाई ठीक है सर, मैं बहुत अच्छा फ्लेम शॉट पीते हुए
अच्छा यार बहुत अच्छा था भाई आपका स्वागत हो रहा है इधर एडिलेड में। यहाँ पर पहले लिखा होता है कृपया कूड़ा कूड़ेदान में फेंके। रेस्टोरेंट का नाम क्या है? लाते ऑन रॉक्स एडिलेड। 19 साल का बच्चा चलाता है। मम्मी आई है साथ में, वो भी ब्लॉगर है। आंटी आपको बच्चा कैसा चला रहा है? हिस्ट्री में पहली बार देखा है कि इंडियन माँ बैठ रही है और बच्चा बना रहा है। भाई इसकी बहन भी चलाती है, अकेला नहीं है कहीं। बना इसकी बहन ही रही है दोस्तों, वही लड़की चला रही है। ये तो टाइम पास कर रहा है बस, क्रेडिट, ये सिर्फ क्रेडिट खा रहा है बैठ करके। ये है वो वाला जो डिश हमने खाया, जबरदस्त टेस्टी। दीदी शेफ है ना? पक्का नहीं है? शर्मा मत यार एकदम। ये तो ये ले लेगा क्रेडिट एक मिनट के अंदर। ऐसी लेते भाई प्रॉपर्टी भी, ऐसी लेते। ये देखो शो के बाद ही ऐसे होता, शो के बाद ऐसे उतरते हैं। भैरव सिंह सांस लेते रहो, भैरव सिंह। सीन सेट फॉर एडिलेड शो, जनता आनी शुरू हो गई है अंदर। एक तो तेरे हाथ क्यों चले जाते जेब में, मुझे ये बता तू। ये पुराना हो गया स्टाइल, ये छोड़ दे ये, ठीक है ना? इसको कल से भाई पहली बार काम करते देखा है। ये देख ले, लोगों को देख ले, एकदम पूरा शेर का बंजा मार दे रहा है। इवेंट्स सही है भाई, गुड जॉब डन ब्रो। भाई आप मेरा कच्चा देख रहे हो बैठ के? मुझे भी आपका नाम नहीं पता, मैं आपको कच्चा कभी नहीं देखूंगा भाई। क्या पेड ऑडियंस? नहीं भाई, पेड कहाँ से यार, ये है तीनों पेड। ये देख रहे हो, ऐसे ऑर्गेनाइजर मैंने कभी नहीं देखे भाई। एक नंबर के हट आ रहा हूँ, दुनिया भाड़ में जा रही है, ऊपर वालों को समझ नहीं आ रहा, बसंत बच जा रही है भैया। हमारा तो अच्छा जा रहा है भैया। बट गाइस, वी परफॉर्मड इन एडिलेड टुडे एंड एब्सोल्युटली ग्रेट टाइम विद एवरीवन ऑफ यू। सुंदर न्यूजीलैंड बीच है। और इसके बाद से यहाँ से निकल करके गुप्ता अलग जाएगा, मैं अलग जाऊंगा, गुप्ता कैमरा और मैं जाऊंगा पर्थ का छुट्टी। इसको छुटकारा मिले, मुझे मुक्ति दे दे अम्मा। भाई देख लो क्या मस्त एयरपोर्ट है, वाटर बॉडी का मस्त इस्तेमाल। वो यार रनवे उसके आगे समुंदर वाला। दादू अगर आप यहाँ पे आ रहे हो कि माँ बड़े प्यार से संतरा केला सर तरबूज कुछ दे रही है, तो नहीं माँ को हाथ जोड़ के वापस दे भी देना, बीज वाला कुछ भी मत देना भाई। $600 का फाइन है क्या? देखो होम लोन, रेंज रोवर का नाम होम लोन क्यों रखवाया आपने बताओ? सर एक सवा 1 करोड़ रुपए की गाड़ी तो, और उसमें आप नाम रखवा रहे होम लोन है? हमारे रिक्शा पे शांति का डील देते हैं आपने, आपने रेंज पे होम लोन लिखवा दिया, कोई तरीका है भाई? चलो चलो चलो, थैंक यू न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ट्रिप फाइनली ओवर होता है। जितने जोश में हम लोगों ने स्टार्ट करा था, शक्लें देख लो हमारी, उतनी ही भद्रा से हम ये खत्म कर रहे हैं। वंडरलस्ट मजा आ जाएगा वो भाई, ये होगी भाई। मरते मरते भी व्लॉग बना के रहता है ये। अब जा रहे हैं और टांगों में को दर्द हो रहा है, पता है भाई? पता है करीब पिछले 72 घंटे में शायद 10 घंटे सोए हैं, तो दैट इज द एंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नहीं मैं अपना एक बनाऊंगा जाते जाते। आखिरी टूर खत्म हुआ, अब हम पता नहीं कब मिलेंगे। बहुत मचाया भाई, जितना मचा सकते भाई, जो मचा जाते जाते ही मचा दिया हमने, बहुत ज्यादा मचाया भाई जितना हो सकता है। दोस्तों कमेंट करो अगर आप शो में आए थे, बताओ कैसा। दोबारा फ्लाइट है दिल्ली, बेसिकली 4 flights एंड देन होम, 4 more flights ऑफ अबाउट 3 hours, 5 hours, 5 hours, 5 hours, almost 18 hour of flying time. ये ज़्यादा हो गया भाई, इस बार मैं इतना travel usually करता नहीं हूँ। Shave कर दी, बेलचट्टा सही हो गया अजीब से। भाई आज मेरी शक्ल ही है क्या? मेरे को मुझे आदत नहीं है दाढ़ी रखने की। Okay guys, so performed in Perth today and we had a great time with everyone.
मिनट रुक जाओ, जनता बर्थ की पूरी है, बहुत जबरदस्त मनाल, पूरी फैमिली आई है करनाल से जिन्होंने जीजा जी का फायदा उठाया है। जेसन, जेसन दोस्तों, जेसन का आज बर्थडे है। सिस्टर, सो जेसन सिस्टर गॉट हर टू शो एंड जेसन इज सच अ नाइस गाय, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग फॉर 2 आवर्स ऑन हिज ओन बर्थडे। दिस इज द गिफ्ट दैट वी इंडियंस गिव यू, बट थैंक यू जेसन, हैप्पी बर्थडे। बाकी दोस्तों ये शेफ, ये देख रहे हो, ये सीधा तड़का मार के यहीं पहुंचा सीधा। भाई शो हो गया बर्थ वाला, बहुत बड़ा टीम है अपनी पूरी साथ में। निपिक कितनी, निपिक के चेहरे पे खुशी थी नहीं पिछले 2 शो के बाद से, आज खुश हुआ है वापस, आज मेरा गुप्ता तरह खेल हुआ है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये मेलबर्न कॉमेडी क्लब के साथ शो कर, और ये मैम लेके आई हैं केक हमारे लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थॉटफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत मजा आया भाई, क्लोजिंग अच्छी हो गई। सो गाइस आज मैंने पूरे दिन का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई थी, मेरा लगेज छूट गया था भाई और दिमाग ही नहीं चल रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। इसलिए ऑकलैंड से जो फ्लाइट आई थी वाया सिडनी, सिडनी में लगे जाना था जो कि आया नहीं, तो मैं पर्थ आ गया कि मेरी पर्थ की फ्लाइट छूटने वाली थी, और फिर मैंने बोला दिल्ली भेजना, और शायद आज रात को एक फ्लाइट से लगेज आ गया, वो चेक करने आए हैं। तो फाइनली टेकिंग अ फ्लाइट टू दिल्ली, सिंगापुर एयरपोर्ट पे 5 घंटे के लेओवर के बाद अब फाइनली दिल्ली की फ्लाइट है। मतलब इतना लंबा कभी भी श्रेय और मैं ऐसे अलग से नहीं, इससे पहले सबसे लंबा शायद रशिया था 11 दिन, इस बार 15 दिन हो गया, जा रहे हैं भाई, बड़ी खुशी है भाई, खाना नहीं खाया मैंने फ्लाइट में, सुबह से मैं घर जाके खाऊंगा। गाइस सो दैट वाज द एंड ऑफ टुडेस व्लॉग, आई होप यू लाइक द व्लॉग, इफ यू लाइक द व्लॉग देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, नेक्स्ट व्लॉग इज गोइंग टू बी आउट वेरी सून। ऐसे बोल दो श्रेया, क्या बोलना है, कुछ ही बोल दो यार, लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे, श्रेया नहीं है तो व्यूज नहीं आ रहे, ऐसा लगता है मैं आती हूं तो बड़े मिलियन व्यूज आते हैं, और मैं आती हूं तो 30,000 ज्यादा हो जाते हैं। हां ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, सी यू अदर व्लॉग वेरी सून, बहुत मजा आया ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पे। उसके अलावा गुप्ता ने लास्ट कैनबरा करा, मैंने पर्थ करा, और अभी गुप्ता यूएस टूर कर रहा है, तो अगर आप लोग यूएस में हैं तो प्लीज़ 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 गो फॉर शोज, उसके इंस्टा पे सारे डिटेल्स वगैरह है, बहुत सारे, आई थिंक 9 सिटी का टूर कर रहा है उसका, तो डू चेक इट आउट। बाकी मैं करता हूँ, मैं करूँगा यूएस नेक्स्ट ईयर मोस्टली, या देखते हैं कब मन करेगा, तो आई विल बी डूइंग लंडन इन जुलाई, और उससे पहले जून में चिल कर रहा हूँ थोड़ा, बस एक बैंगलोर का शो है 25 जून का, तो सी यू गाइज ओवर देयर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। दिल्ली भी है थोड़े, मतलब छोटे छोटे शो है वैसे।